हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को हुए आतंकी हमले के बाद सारा देश शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहा है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में शहीद पार्क के पास ठेले पर नॉनवेज सेंटर चलाने वाले अजय सेन ने भी विरोध का नया और अनूठा तरीका ढूंढ लिया है। इन दिनों उन्होंने एक ऑफर चलाया है जिसमें उसने चिकन लॉलीपॉप और तंगड़ी में 10 रुपये की छूट का ऐलान किया है। ये छूट ग्राहकों को तभी मिलेगी जब ग्राहक पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाएगा। अपनी दुकान पे पाकिस्तान के नाम का एक बोर्ड लगाया है जिसमें मैंने लिखा है कि आप एक बार अपने दिल से बोल दीजिए पाकिस्तान मुर्दाबाद, तो आपको लेग पीस पे 10 रुपये की छूट। ये 10 रुपये का छूट लोगों के लिए पता नहीं क्या मायने रखता है, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन लोगों के दिल से एक बार दिल से आवाज़ निकलना चाहिए कि पाकिस्तान मुर्दाबाद था, है और रहेगा। उसमें कभी इंसानियत ना थी और ना ही कभी आएगी। ये हम इसी तरह से हम लोगों तक ये पहुंचाएंगे कि पाकिस्तान के लिए हमारे अंदर कोई फीलिंग नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी ही होना चाहिए। अजय सेन के पाकिस्तान और आतंकवाद का विरोध करने के इस अनूठे तरीके के बाद ठेले पर काफी भीड़ रहती है। इससे न सिर्फ ग्राहक पाकिस्तान के खिलाफ अपना गुस्सा निकाल पा रहा है, साथ ही खाने के बिल पर भी छूट पा रहा है। क्योंकि हमने दोस्ती काफी समय से किया है और दोस्ती का हमको हर बार सिर्फ खामियाजा ही भुगतना पड़ा है। ठीक है, जो लोग पहुंच रहे हैं आपकी दुकान, रिएक्शन आ रहा है, कुछ लोग देख के उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अरे ये हो क्या रहा है, ये अचानक से क्या हो गया। तो कई लोग एक की जगह दो ले जा रहे हैं, मुझे क्या है, मेरा बस बिजनेस बढ़ रहा है। ठीक है, ये बड़े ना बड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोग दिल से एक बार यही बोल रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद। इस मामले में शॉप ओनर का कहना है कि पाकिस्तान ने कभी मानवता की कद्र नहीं की और ना ही वो कभी करेगा, इसलिए हर किसी को दिल से पाकिस्तान के लिए मुर्दाबाद कहना चाहिए। गौरतलब है कि 14 फरवरी को पुलवामा में CRPF की बस के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था। इस काफिले में 350 किलो विस्फोटक से भरी कार भिड़ा दी गई थी। ये पाकिस्तान नारे मुर्दाबाद लगाने का जो नारा है, ये नारा है भारत को एक करने का। ये एक नारा नहीं जो पाकिस्तान पे हमदर्दी जताए कोई तो हम उसको सोचें, हम किसी देश विदेश की बात नहीं कर रहे, हम जिस धरती पे जन्म हुए हैं उस धरती पे जो जातिवाद पे विभक्त हो गए, हम उसको एक नारा देकर, हम एक दूसरी कम्युनिटी दूसरे देश को पाकिस्तान मुर्दाबाद कहकर हम अपने देश को सम्मिलित करना चाहते हैं। और इस नारा पे जो इन्होंने 10 रुपये की छूट दी है, ये छूट भले मिले या ना मिले, मगर इन्होंने जो लगाया है इससे दिल को सुकून मिलता है कि भारत में एकता लाने के लिए कोई छोटी सी मुहिम ही हो वो आवश्यक है। ठीक है, तो आपने छूट नहीं ली लेकिन नारे जरूर लगाए? नारे बिल्कुल लगाए और नारे लगा के दिल में सुकून मिला कि जिस देश में हम रह रहे हैं उसके बारे में लोग अब सोचना शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।